वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों के लिए जो बाइक लेके आया हूँ वो बाइक वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेसल इन द सिंगल व्हील। और मैं हूँ आपका होस्ट नीतू नस्कर, आप देख रहे हैं ऑटो रिव्यूज यूट्यूब चैनल। लेट्स गो गाइस। This is the all new BMW R18. It comes with the 1800cc engine. तो आज मैं इस बाइक की सारी फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा और क्या प्राइस पॉइंट पे आई है ये बाइक, ये भी आपको बताऊंगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो इस बाइक के फ्रंट पे आपको एक बड़ा सा राउंड शेप का हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली आपका LED हेडलैम्प है विद डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस बाइक को इग्निशन दिया इसका डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑन हो गया। और अगर आप डे टाइम रनिंग लाइट्स की बात करेंगे तो वो एकदम हेडलैम्प के बीचों बीच माउंटेड है। और हेडलैम्प के ऊपर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक BMW LED की बैजिंग मिलती है। और आप हेडलैम्प के ओवरऑल डिज़ाइन की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपको क्रोम डिज़ाइन में ही मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा एक कूल सा लुक प्रोवाइड करता है फॉर श्योर। तो इस बाइक के इंडिकेटर स्लाइड्स को भी आप देखेंगे तो ये भी आपको LED दिया हुआ है। एंड सच में इस इंडिकेटर्स का जो डिज़ाइन है ये मुझे इन पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा। When you talk about the front tire size of this motorcycle, तो इसको front पे 120x70 के R19-inch wheels, 300mm diameter twin disc brake with 4-piston fixed calipers, also dual channel ABS के साथ। And when you talk about the front suspension setup of this motorcycle, तो इस motorcycle के front पे आपको telescopic focus suspension देखने को मिल जाएगा। और इस बाइक में आपको जो ABS मिलता है उसे BMW ने नाम दिया है BMW मोटरहेड इंटीग्रल ABS। नाउ लेट्स सी द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस मोटरसाइकिल। और जब आप इस मोटरसाइकिल का साइड प्रोफाइल देखेंगे तो साइड से भी ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे आपको एक BMW का लोगो मिल जाता है। और आप अगर थोड़ा अंडरनीथ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1800cc की इंजन की जो बैजिंग है वो आपको भी मिल जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट जो मैं आपके लिए कवर अप करने वाला हूँ। और अब मैं इस बाइक की एक यूनिक चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसको BMW कम ब्रांड ने ऑफर किया ऑन दिस मोटरसाइकिल, विच इज़ द एक्सपोज शार्प ड्राइव। अब ये कैसे काम करता है, जब आपका बाइक एक स्पीड पर जा रहे हो तब ये रोटेट होता रहेगा जो आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो इस मोटरसाइकिल में आपको 107.1mm का आपको बोर मिलता है और 100mm का आपको स्ट्रोक मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन स्पेक्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो इस मोटरसाइकिल में आपको 1800cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक 2-सिलेंडर बॉक्सर इंजन विद 2-चेन ड्रिवन कैमशाफ्ट्स अबव द ड्राइव शिफ्ट इंजन मिलता है टू गेट प्रोड्यूसिंग 91 BHP ऑफ पावर एंड द 158 Nm ऑफ टॉर्क विद 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर टायर साइज ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो जब आप इस मोटरसाइकिल के रियर टायर की बात करोगे तो इसको रियर में 180x65 के 16-inch व्हील्स मिलता है विद डायमीटर 300mm सिंगल डिस्क ब्रेक्स विद 4-पिस्टन फिक्स्ड कैलिपर्स के साथ। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर सस्पेंशन सेटअप ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो जब आप इस मोटरसाइकिल के रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो इसको रियर में स्टील स्विंगिंग फोक विथ सेंट्रल शॉक स्ट्रट का सस्पेंशन आपको मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑल डायमेंशंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो इस मोटरसाइकिल में आपको 2440mm का लेंथ मिलता है, आपको 964mm का ओवरऑल वेट मिलता है, आपको 1232mm का हाइट मिलता है, आपको 1731mm का आपको व्हील बेस मिलता है और आपको 345kg का कर्ब वेट मिलता है।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट जो मैं आपके लिए कवर अप करने वाला हूँ। और जब आप इस मोटरसाइकिल का रियर प्रोफाइल देखोगे तो रियर से भी ये मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और रियर में आपको दो LED इंडिकेटर्स मिलता है, ये टीयर ड्रॉप डिज़ाइन है, और साथ में आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। एंड व्हेन यू सी दिस पार्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा BMW का लोगो मिलता है। और उसके ठीक ऊपर अगर आप इस बाइक के सीट्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको सिंगल सीट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली राइड देगा, चाहे आप शॉर्ट ट्रिप्स के लिए जा रहे हो या फिर लॉन्ग ट्रिप्स के लिए। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल तो इस मोटरसाइकिल में आपको 16 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। और यहाँ पे इसके सीट्स के ऊपर आपको एक छोटा सा BMW का बैजिंग दिया हुआ है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द सीट हाइट ऑफ दिस मोटरसाइकिल तो इस मोटरसाइकिल में आपको 690 mm का सीट हाइट मिलता है। अब ये बाइक अवेलेबल है दो वेरिएंट्स में, एक है आपका रेगुलर एडिशन और दूसरा है आपका फर्स्ट एडिशन। इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो रेगुलर एडिशन आता है उसमें आपको क्रोम पैकेज नहीं मिलता, आपको DRLs नहीं मिलते, आपको हिल असिस्ट नहीं मिलता, और आपको एडाप्टिव लाइट का ऑप्शन भी नहीं मिलता, जो आपको फर्स्ट एडिशन में मिल जाता है। अगर आप इस मोटरसाइकिल के कंट्रोल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है, आपके मोड्स चेंज करने का स्विच मिलता है, आपके मेनू बार का स्विच मिलता है, साथ में आपका टर्न इंडिकेटर्स का स्विच मिलता है, और साथ में आपको हॉर्न का स्विच भी मिलता है। और जब आप इसके राइट साइड कंट्रोल की बात करेंगे तो राइट साइड में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिलता है, और साथ में आपको किल स्विच भी मिलता है। नाउ लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस मोटरसाइकिल तो अगर आप इस मोटरसाइकिल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो यहाँ पे आपको एनालॉग एंड डिजिटल कॉम्बिनेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे आपका एनालॉग स्पीडोमीटर दिया हुआ है। स्पीडोमीटर के थोड़ा नीचे आपको कुछ सिग्नल्स मिल जाता है, लाइक न्यूट्रल सिग्नल, आपका ABS का सिग्नल, आपके क्रूज कंट्रोल का सिग्नल, एक्सेट्रा जैसी चीज़ें। और साथ में आपका जो MID स्क्रीन मिलता है वहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लाइक आपका बाइक कौन से मोड पर है, आपका किलोमीटर कितना हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बाइक में आपको तीनों मोड्स मिलता है, विच इज़ द रॉक एंड रोल एंड रेन मोड। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आपको बिल्ट इन बर्लिन की बैजिंग मिल जाती है। चलिए अब इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि यूज़ योर हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो देखकर कैसा एक्सपीरियंस हुआ वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इन WhatsApp, Facebook, Instagram एंड Twitter। एंड इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। मिस्टर सुमजी BMW रेसल प्रोडक्ट के सेल्स पर्सन, अगर आप लोगों को कोई भी गाड़ी BMW के लेना है तो इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप डायरेक्टली उनसे बात करेंगे। एंड लाइक।